हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीबीएसई क्लास फर्स्ट में नाउन नेमिंग वर्ड्स के टाइप्स लेकर आए हैं, क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने बात किया था नाउन की या नेमिंग वर्ड के बारे में कि नाउन क्या होता है या नेमिंग वर्ड क्या होता है। इसके बाद आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे या पढ़ाएंगे नाउन के टाइप्स। नाउन दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। यानी प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। यानी आपकी दो संज्ञा क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग में या क्लास फर्स्ट में जो है आपको पढ़ना है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक स्पेशल यानी विशेष नाम होता है किसी का। किसका भाई होता है विशेष नाम? किसी प्राणी का होता है, किसी स्थान का होता है, किसी जानवर का होता है या किसी वस्तु का होता है। पर्सन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पर्सन में आप जानते हैं कि जो पर्सन होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल, यानी पुरुष जाति का भी होता है और स्त्री जाति का भी होता है। यानी पर्सन में आपके दोनों आते हैं, मेल और फीमेल। अब उसमें कोई अगर पुरुष जाति का मान लीजिए कोई लड़का है, उस लड़के का क्या किया गया है? एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या? रवि। तो रवि ही आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फीमेल में, जैसे कोई गर्ल है, लड़की है, और उस लड़की का भी एक स्पेशल नाम दिया गया है जैसे तनु। तो ये जो तनु है ये भी एक स्पेशल नाम दिया गया है इस लड़की का, दिया गया है कि नहीं? तो ये जो स्पेशल नाम दिया जाता है वही आपका क्या होता है? प्रॉपर नाउन। नोट के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, प्रॉपर नाउन बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है बिगिन्स होते हैं किससे? कैपिटल लेटर्स। यानी जो कैपिटल लेटर यानी जो बड़ा अक्षर होता है वो कहीं भी रहेगा, चाहे सेंटेंस के पहले आ जाए और सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ये इसकी क्या है? पहचान है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं, ये जो नाम लिखा गया है वो प्रॉपर नाउन का है। इसके बाद हम एनिमल्स प्लेस की बात करते हैं। तो प्लेस में जैसे कोई क्या होता है, प्लेस में मान लीजिए क्या है? स्कूल है। प्लेस में कोई एक स्थान दीजिए, प्लेस में हमने माना कि क्या है? कोई स्कूल है। और स्कूल एक क्या होता है? प्लेस होता है। और इस स्कूल का एक नाम दिया जाता है, चाहे वो कोई भी विद्यालय का नाम हो, जैसे सपोज दैट APS है। तो ये एक स्पेशल नाम दिया गया है किसका? एक स्कूल का। तो ये भी आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट आपका आता है प्लेस हो गया, एनिमल, एनिमल है। एनिमल में जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम मान लेते हैं डॉग। क्या मान लेते हैं? डॉग। और डॉग जब हम लोग घर पे कोई भी पेट एनिमल्स रखते हैं या पालतू जानवर रखते हैं तो उसका भी हम लोग कुछ न कुछ क्या करते हैं? नाम देते हैं। कुछ न कुछ क्या करते हैं? नाम देते हैं। और जो नाम देते हैं वही आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। सपोज दैट डॉग है, डॉग को हमने क्या क्या
नाम कोई रख दिया सैरू, जैकी। तो ये जितने भी ये आपके नाम हैं, ये सब जब किसी भी प्राणी या वस्तु का एक स्पेशल नाम दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। इसके बाद थिंग्स की बात हो गई। थिंग में जैसे आप मान लीजिए फैन है, फैन मीन्स क्या होता है, पंखा। तो ये जो पंखा है उसका भी एक क्या, अगर हम लोग उस फैन को, भाई कोई भी फैन होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, जैसे वो पंखा किस कंपनी का है, तो मान लीजिए खेतान का है, उषा का है, तो ये उस कंपनी का नाम दिया गया है, एक स्पेशल नाम दिया गया है किसका, उस फैन का। तो ये आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक स्पेशल नाम होता है किसका, किसी भी, एक स्पेशल नाम होता है किसी भी प्राणी का, किसी भी स्थान का, किसी भी जानवर का और किसी भी वस्तु का। स्पेशल नाम ही क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया। और यहाँ पर हमने इसको विस्तार रूप से बता भी दिया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट बचता है कॉमन नाउन, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो कॉमन नाउन होता है उसकी डिफिनीशन होती है, कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। यानी जो कॉमन नाउन होता है वो एक सामान्य नाम होता है किसी भी प्राणी का, किसी भी स्थान का, किसी भी जानवर का या किसी भी वस्तु का। यानी जो जाति के बारे, जाति का जो बोध कराता है, और हिंदी में आपको हमने बता दिया था कि कॉमन नाउन हो मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जो कॉमन नाउन होता है वो सामान्य नाम होते हैं किसी भी प्राणी के, किसी भी स्थान का, किसी भी एनिमल का, किसी भी वस्तु का। सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन में जनरल थिंग्स ये है कि ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में देखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में देखे जाते हैं। अगर भाई सेंटेंस के पहले ही कोई कॉमन नाउन हो तो उसको तो आप जानते हैं कि हमेशा कैपिटल लेटर में होता है लिखने के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो सेंटेंस आपके वाक्य के बीच में आते हैं, अरे वो अगर वर्ड्स आपके, सॉरी वो जो वर्ड्स होते हैं अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। जैसे हमने पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें हमने बताया था कॉमन नाउन में पर्सन के बारे में, तो पर्सन के बारे में जैसे बॉय है, गर्ल है, फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, यानी जो भी एक सामान्य नाम जो भी होता है, वो जितने भी सामान्य नाम होंगे वो क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। वो क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। इसके बाद हम लोग प्लेस की बात करते हैं। प्लेस में जैसे दे दिया प्लेग्राउंड, ग्राउंड, पार्क, लाइब्रेरी, इटीसी, ये जितने भी नाम हैं ये भी आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि प्लेग्राउंड का भी कुछ न कुछ नाम होता है, पार्क का भी नाम होता है, लाइब्रेरी। तो ये सारे जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, वो सभी आपके कॉमन नाउन को निर्देशित करते हैं, क्योंकि वो सामान्य की बोलचाल की भाषा में होती है जो सभी लोग उसका यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एनिमल। एनिमल में जैसे क्या हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया,
कैट हो गया, डॉग हो गया, ये सब भी आपके क्या हैं, एक सामान्य बोलचाल की भाषा में नाम दिया गया है, तो ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। इसके बाद थिंग में आपका बहुत, थिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे चॉक होता है, डस्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, फैन होता है, ग्लोब होता है, बुक होती है, कॉपी होती है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब भी आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन में यही अंतर होता है, जो स्पेशल नाम होता है किसी भी प्राणी वस्तु का, स्थान का, तो वो आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अब जो जनरल नेम होते हैं, सामान्य नाम बोलचाल की भाषा में जो नाम होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चन को आपको क्या करने का पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और उसको आप अपने ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।